भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हमारा सनातन धर्म शुरू इसी से होता है कि तू आत्मा है और तू यहां फंसा हुआ है, तू नए नए शरीर लेता रहता है। हमारा बड़ा सिंपल, परंतु आज इसी सिद्धांत को हम लोग पूरी तरीके से भूल चुके हैं, पूरी तरीके से। ना तो टीचर सिखाता कोई, ना माता पिता सिखाते, ना हमारे कोई परिवार बुजुर्ग जन सिखाते, कोई नहीं सिखाता। परंतु आखिरी में जलने पहुंच जाते हैं हिंदू शमशान। मैं तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कहता हूं, मैंने कहा मैं तो सर उठा के देखो, गोदी है नहीं है, अज्जा हिंदू नहीं है, इसको कैसे जला रहा है। हाँ, शिखा नहीं रखता, हिंदू नहीं। Why? Yes, there is some process. This is a science. ये एक विज्ञान है। ये क्या है? एक विज्ञान है। एक विज्ञान है जो शुरू में कई बार बच्चों को कहता था ये कर, उसको समझ नहीं आ रहा, परंतु बोले कर तो आगे चल के समझ जाएगा। हम जब 7th 8th 9th में थे तो हमें थोड़ी साइंस में जो सारी सब्जेक्ट्स बताए जाते थे वी कुड अंडरस्टैंड इट। मैं वशिष्ठ बहु वेन यू डिड हायर एजुकेशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जब हम हायर में जाते थे तो वी डिटेल्स मिलते थे। जैसे क्या ह्यूमन इटोनॉमी नहीं समझ सिखाई जाती थी स्कूलों में सिखाई जाती है। हार्ट होता है, सेल का स्ट्रक्चर बताया जाता था, अभी तक याद है मुझे। तो अगर आपने आगे मेडिकल साइंस को अगर परस्यू किया तो उसके डिटेल्स आएंगे। क्या आएंगे? डिटेल्स आएंगे। फिर आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आप पर्टिकुलर एक ऑर्गन पे स्पेशलाइजेशन करते हो। क्या करते हो? है ना प्रभु? देन एक ऑर्गन पे स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपकी नॉलेज दूसरे से ज्यादा होती है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। तो इसी तरीके से ये भी एक विज्ञान है, ये भी एक साइंस है, इसको फॉलो करिए।